ऑडियो थ्री पुस्तक का नाम उपासना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता, लेखक वेदमूर्ति तपोनिश, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उपासना अपने आप भले ही घंटे आध घंटे का छोटा सा कर्मकांड मात्र हो, पर यदि उसे सही आधार पर किया गया हो तो उसमें सन्निहित प्रतिक्रिया से भावना स्तर भी प्रभावित होना ही चाहिए। परमेश्वर सर्वत व्याप्त है, कोई गुप्त प्रकट स्थिति उसकी उपस्थिति से रहित नहीं। यह सर्वांतव्यापी घटघट को जानता है, सत्कर्म ही उसे प्रिय है। धर्म मार्ग पर चलने वालों को ही वह प्यार करता है, इतनी मान्यता तो ईश्वर भक्त में विकसित होनी ही चाहिए। इस प्रकार की निष्ठा जिसमें होगी वह ना शरीर से दुष्कर्म करेगा और न मन से दुर्भावों को स्थान देगा। पुलिस कप्तान के सामने उपस्थित रहने पर कोई जेबकट या चोर अपराध कर बैठने का साहस नहीं कर सकता। इसी प्रकार जिसको ईश्वर के सर्वव्यापक और न्यायकारी होने का विश्वास है, वह कुमार्ग पर पैर कैसे रखेगा? आस्तिक कुकर्मों नहीं कर सकता है। जो कुकर्मी है उसकी आस्तिकता को एक विडंबना या प्रवंचना ही कहना चाहिए। आत्मकल्याण का आधार ईश्वर का दंड एवं उपहार दोनों ही असाधारण है। इसलिए आस्तिक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दंड से बचा जाए और उपहार प्राप्त किए जाए। यह प्रयोजन छुटपुट पूजा अर्चना जब ध्यान से पूरा नहीं हो सकता। भावनाओं और क्रियाओं की उत्कृष्टता के ढांचे में डालने से ही यह प्रयोजन पूरा होता है। न्यायनिष्ठ जज की तरह ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। स्तवन अर्चन करके उसे उसके नियम विधान से विचलित नहीं किया जा सकता। अपने पूजन स्मरण या गुणगान करने वाले के साथ यदि वह पक्षपात करने लगे तो उसकी न्याय व्यवस्था का कोई मूल्य ना रहेगा, तो फिर सृष्टि की सारी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। सबको अनुशासन में रखने वाला परमेश्वर स्वयं भी नियम व्यवस्था में बंधा है। यदि वह उच्च श्रृंखलता और अव्यवस्था बरतेगा तो फिर उसकी सृष्टि में पूरी तरह अंधेर खाता फैल जाएगा। फिर कोई उसे ना तो न्यायकारी कहेगा और ना समदर्शी। तब उसे खुशामदी और रिश्वतखोर नाम से पुकारा जाने लगेगा। जो चापलूसी की स्तुति कर दे उससे प्रश्न, जो पुरुष नवैद भेंट कर दे उसके जाल जंजाल में उसे फंसाने का प्रयत्न करेगा। तब कठोर कर्म की जीवन साधना को संयम सदाचार की तथा तप परमार्थ की कष्ट साध्य प्रक्रिया को अपनाना भला कोई क्यों पसंद करेगा? हमें आस्तिकता एवं उपासना का वास्तविक उद्देश्य समझना चाहिए। भगवान को हम सर्वव्यापक एवं न्यायकारी समझकर गुप्त या प्रकट रूप से अनिति अपनाने का कभी भी कहीं भी साहस ना करें। ईश्वर के दंड से डरें। वह भक्त वत्सल ही नहीं भयानक रुद्र भी है। उसका रौद्र रूप ईश्वरीय दंड से दंडित असंख्यों रुग्ण, अशक्त, मूक, वधिर, अंध, अपंग, कारावास एवं अस्पतालों में पड़े हुए कष्टों से कहराते हुए लोगों की दयनीय दिशा को देखकर सहज ही समझा जा सकता है। यह स्वरूप भुला नहीं देना चाहिए। केवल वंशी बजाने वाले और रास रचाने वाले ईश्वर को ही ध्यान न रखें। उसके त्रिशूलधारी भी एक रूप है, जो असुरता में निमंग दुरात्माओं का नृशंस दमन मर्दन भी करता है। यह भी हमारी चेतना पर चिन्हित रहना चाहिए। जहां वह भक्तों को प्रेमा उपहार प्रदान करता है, वहां वह अभक्तों का अनिति पथ के अनुगामियों का बुरी तरह उच्छेदन भी करता है। उसके दंड में जीव को ऐसी चीत्कार करनी पड़ती है कि एक क्षण के लिए उसे कड़ा ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की तरह नृशंस भी कहना पड़ता है। न्यायनिष्ठ जज को जिस प्रकार अपने सगे संबंधियों, प्रशंसकों, मित्रों तक का कठोर दंड देना पड़ता है, फांसी एवं कोड़े लगाने की सजा देने को विवश होना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर को भी अपने भक्त अभक्त का, प्रशंसक निंदक का भेद किए बिना उसके शुभ अशुभ कर्मों का दंड पुरस्कार देना ही होता है। उपासना फलवती कैसे हो?
उपासना का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर से सानिध्य प्राप्त करना। कोई व्यक्ति जिस समय तक पूजा, अर्चना, स्तवन, जप, ध्यान, कीर्तन आदि की उपासना विधि में निरत रहता है, उतनी देर तक वह वही अनुभव करता रहता है कि परमात्मा उसके पास है अथवा वह परमात्मा के निकट है, और वह जो कुछ भी कर या कह रहा है वह सब परमात्मा के लिए है। परमात्मा उसकी पूजा स्वीकार कर रहा है और उसकी विनय अथवा कीर्तन सुन रहा है। इस प्रकार उपासना के समय तक उपासक भावनात्मक रूप से परमात्मा के सानिध्य में ही रहता है। यूं तो परमात्मा अणु अणु में परिव्याप्त है, घट घट पे निवास कर रहा है, कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है, हर स्थान पर वे सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। क्या उपासक, क्या उपासना सामग्री, सभी में परमात्मा हर समय उपस्थित रहता है। ऐसा नहीं कि उपासना काल में ही वे उपासक के समीप अथवा उपासक उसके समीप रहता हो और अन्य समय में नहीं। वह हर समय हर एक के पास हर स्थिति में कोई भी काम करते समय भी बना रहता है। वह सर्वव्यापक है। यदि विशेष उपासना विधि से भिन्न भी अपने हर काम को परमात्मा को सौंप दें, हर काम उसी का काम समझें और हर क्रिया की उपासना जैसी श्रद्धा और आस्था से करें, तो मनुष्य के साधारण नित्य नैमित्तिक कार्य ईश्वर की उपासना के रूप में बदल जाएं और उसी की तरह शांति, संतोष तथा आनंद के पुण्य फल प्रदान करने लगे। किंतु यह बहुत सरल होने पर भी बहुत ऊंची और दूर की बात है। जन साधारण का मनोविकास अभी इस स्थिति तक नहीं पहुंच सका है। सर्वव्यापक परमात्मा की सर्व कर्मक उपासना करते रहना दैनिक जीवन के लिए मंगलमय है। साथ ही सर्व कर्मक उपासना के योग्य मनोविकास प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। सच्ची भावना के साथ ही हुई उपासना चमत्कार की तरह फलवती होती है। भावना को परमात्मा में पूर्ण रूप से संयोजित करके कुछ देर की हुई उपासना जीवन भर एक स्थायी प्रभाव डालती है, जो कि उत्कृष्ट विचारों, निर्विकार स्वभाव और सत्कर्मों के रूप में परिलक्षित होता है। उपासना करता हुआ भी जो व्यक्ति गुण कर्म स्वभाव एवं मन वचन कर्म से उत्कृष्ट नहीं बना, तो यही मानना होगा कि उसने उपासना की ही नहीं, केवल वैसा करने का नाटक किया है। भजन पूजन अथवा जप कीर्तन करने के समय तक भी मनुष्य अपने पास, अपने हृदय के पास अथवा अपनी चेतना में परमात्मा की समीपता अनुभव करता रहे, तो उतनी देर की वह समीपता आनंद व उत्साह के रूप में दिन भर अनुभव होती रह सकती है। उपासना के समय जितनी गहराई के साथ अपनी मानसिक भावना को परमात्मा में संयोजित किया जाएगा, यह अनुभव उतनी ही गहराई से जीवन में उतरता और स्थिर होता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य अपने में तथा अपने से बाहर परमात्मा को हर समय ओतप्रोत देखने लगेगा। ऐसी स्थिति आ जाने पर मनुष्य का आत्मोद्धार निश्चित है। उसके गुण कर्म स्वभाव परमात्मा जैसे पावन प्रभु के समीप से योग से उत्कृष्ट और पवित्र हो जाएंगे। समीप के स्थायी और स्पष्ट अनुभूति होने से उसे असंदिग्ध विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, कोई भी प्रच्छन्न अथवा प्रकट स्थान उससे रहित नहीं है, वह अंतर्यामी और घट घट को जानने वाला है। परमात्मा की उपस्थिति का विश्वास होने पर प्रथम तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से बुरा करेगा ही नहीं, और यदि फिर भी वह दृष्टा पूर्वक ऐसा करता है तो उसे इस जघन्य अपराध का कितना और कैसे यातना पूर्वक दंड मिलेगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उपासना का उद्देश्य केवल इतना ही है कि उसके द्वारा परमात्मा का अधिकाधिक सानिध्य प्राप्त किया जाए, जिससे कि उस परमपिता की वह कृपा पाई जा सके जो हमारी आत्मा की मुक्ति के हेतु बन सके। और ऐसा तभी संभव है जब हमारी उपासना निर्लोभ और निष्काम हो और हमारा जीवन
नीति एवं गतिविधि उपासना के अनुरूप भी महान एवं पावन हो। उपासना को भी दैनिक जीवन में स्थान मिले। आस्तिकता की मान्यताओं को सुस्थिर रखने के लिए उपासना की अनिवार्य आवश्यकता है। स्थूल वस्तुएं हर समय आंखों के आगे उपस्थित रहती हैं और उनका अनुभव इंद्रियों से बार बार होता रहता है, पर जो सूक्ष्म है, अदृश्य है, उसका यदि विशेष रूप से स्मरण ना किया जाए तो उसका विस्मरण हो जाना आवश्यक है। उपयोग में आने वाली सामान्य वस्तुएं भी यदि बहुत दिन तक व्यवहार में नहीं आती हैं, तो हम उन्हें भूल जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही भुलक्कड़ ढंग का है। यदि ऐसा ना होता तो उसके मस्तिष्क में पुरानी स्मृतियां इतनी अधिक भरी रहती कि नई बातों को सुनने समझने का स्थान ही ना बचता। यही भुलक्कड़पन उन बातों पर भी बहुत ही अधिक प्रभाव डालता है जो सामने नहीं है, दिखती नहीं तथा इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं आती। ईश्वर भी एक ऐसी अदृश्य सत्ता है जो ना तो इंद्रियों से अनुभव आती है और ना ही आंखों से दिखती है। ऐसी दशा में आमतौर से लोग उन्हें भूले रहते हैं। यूं कहने को तो हम सभी ईश्वर को जानते हैं और मानते हैं, उसके संबंध में बहुत कुछ पढ़ते सुनते भी हैं, किंतु वह मान्यता एक धुंधली सी छाया बनकर मस्तिष्क के किसी कोने में पड़ी रहती है। इतने मार्थ से आस्तिकता का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। कुविचारों को रोकने और कुकर्मों पर अंकुश लगा रखने के लिए ईश्वर की एक स्पष्ट स्मृति हमारे हृदय पटल पर अंकित रहनी चाहिए और उसका वैसा ही स्मरण रहना चाहिए जैसे हम अपने घर में रहने वाले निकटस्थ कुटुंबी परिजन का रहता है। इसके बिना ईश्वर का भय एवं प्रकाश हमारे अंतःकरण में स्थिर न रह सकेगा। आस्तिकता का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब ईश्वर को हम सहचर के रूप में अनुभव करें। कुविचार का अवसर आते ही, कुकर्म की इच्छा जगते ही भगवान हमारे अंदर धर्मोपदेशक के रूप में, न्यायाधीश के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में उपस्थित हो सके तो ही यह संभव है कि कुमार्ग पर बढ़ते हुए हमारे कदम रुक सके। सन्मार्ग पर चलने की जब आकांक्षा उठे और सामने प्रस्तुत कठिनाइयों के कारण मन आगे बढ़ने से हिचकिचाए, तब भगवान का स्वरूप उत्साह बढ़ाने वाले, प्रेरणा देने वाले और समर्थन करने वाले के रूप में सामने आना चाहिए। हिम्मत बढ़ाने वाला कोई उत्साही व्यक्ति साथ हो तो मनुष्य बहुत कुछ कर गुजरता है। यदि सन्मार्ग के पथ पर प्रस्तुत कठिनाइयों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाने का प्रोत्साहन भगवान की ओर से प्राप्त होवे तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता। परमात्मा का मूर्तिवान रूप हमारी आंखों के आगे विचरता रहे, वह अदृश्य सत्ता सामने साकार रूप में प्रस्तुत परिलक्षित दिखे तो ही यह संभव है कि अधर्म का परित्याग कर धर्म की दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहने के लिए हमारी मनोभूमि खरी उतरे। अदृश्य परमात्मा को दृश्य रूप में साथी और सहचर के रूप में अनुभव करते रहने का महान कार्य उपासना द्वारा ही पूरा हो सकता है। जप, ध्यान, पूजन, अर्चन आदि का विधान इसलिए बनाए गए हैं कि उस आधार पर बार बार मनुष्य परमात्मा का मनोयोग पूर्वक स्मरण करे और उस स्मृति के आधार पर प्रभु को अपने निकटवर्ती संबंधी, कुटुंबी, साथी व सहचर के रूप में उपस्थित रहता हुआ सदा अनुभव करता रहे। पूजा से इसी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। बार बार स्मरण करने से दो बिछड़े हुए विरही जन अपने प्रिय को और भी अधिक निकट हृदय में बसा हुआ अनुभव करते हैं। तो क्या परमात्मा को इस प्रकार स्मरण करके निकटवर्ती रूप में अनुभव नहीं किया जा सकता? यदि हम अपने प्रियतम को निरंतर साथ रहने का अनुभव कर सके तो पापों से बचे रहना और पुण्य प्रत्नों में संलग्न रहना तो सहज ही हो जाएगा। साथ ही हम निर्भय, निश्चिंत, आशावादी और उत्साही भी रहेंगे। जिसके साथ परमात्मा जैसी शक्ति है वह किसी से क्यों डरेगा? चिंता, भय, शोक, निराशा का उसके लिए क्या कारण शेष रह जाएगा? उसे अपने भविष्य उज्जवल
और भाग्य प्रकाशपूर्ण क्यों न दिखाई देगा। ऐसा व्यक्ति बुरी परिस्थितियों को क्षणिक एवं अपने सुधार के लिए लगी हुई एक हल्की सी चपत मानकर सदा प्रफुल्लित, संतुष्ट और आनंदित रह सकता है। जब परमात्मा सत्य है, शिव है, सुंदर है, तो उसके उपासक का स्वरूप वैसा ही क्यों ना होगा।